और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, नीरू की रसोई में आपका स्वागत है। बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं और बच्चों को रहता है कि छुट्टियां हैं तो चलिए कुछ मीठा खाया जाए, कुछ तीखा खाया जाए, कुछ ठंडा ठंडा खाया जाए। तो चलिए इस मंथ हर फ्राइडे हम आपको समर वेकेशन में बढ़िया बढ़िया आपको रेसिपी बताएंगे जो आप बनाइए और बच्चों को खिलाइए। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं मेयोनीज सैंडविच से। फिर चला जाए नीरू की रसोई में। आज हम बनाएंगे वेज मेयोनीज सैंडविच, जिसके लिए यहाँ पर हमने आधा कप फ्रोजन स्वीट कॉर्न लिया, जिसको 4-5 मिनट के लिए गर्म पानी में हमने उबाल लिया ताकि और अच्छे से सॉफ्ट हो। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज की गाजर लिया है, जिसको कद्दूकस कर लिया है। पर्सनली हमको कद्दूकस करी हुई गाजर अच्छी लगती है, इसलिए हमने ऐसे लिया है। और एक छोटी शिमला मिर्च लिया, जिसके बीज निकाल दिए और इसको बहुत बारीक बारीक काट लिया। एक बड़ा प्याज लिया है, उसको भी हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच हमने मेयोनीज लिया है, जिसमें 1 चम्मच दूध डाल के अच्छे से इसको फेंट लिया है। और 2 चीज क्यूब लिया, आप और भी चीज जो आपको पसंद है वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा लिया चिली फ्लेक्स और साथ में ही यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच लिया है काले मिर्च पाउडर। और 1 बड़ा चम्मच हमने लिया मिक्स हर्ब और नमक स्वाद अनुसार। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया एक बाउल, इसी में आज हम स्टफिंग को तैयार कर रहे हैं। ये कॉर्न जो हमने बताया ना आपको बॉईल करके रखा था लिया, और गाजर जो बारीक कटी हुई थी वो डाल दिया, और साथ में ही इसमें शिमला मिर्च, और इसमें हम डालेंगे प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिए, बिना प्याज के बना लीजिए। और मेयोनीज डाला। दूध डालने से क्या होगा ना कि जब हम ब्रेड में स्प्रेड करेंगे तो बहुत इजीली अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अभी आप जब हम स्प्रेड करेंगे ना तो आपको खुद भी लगेगा कि हमने क्यों दूध मिलाया था और किस वजह से मिलाया। और इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आप क्या मिर्च कम पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से मिर्च की क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। काली मिर्च पाउडर डालने से थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए हमने डाला है। और साथ में डालेंगे ये मिक्स हर्ब। अगर आपके पास नहीं कोई बात नहीं। और यहाँ पे नमक बहुत कम डालना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मेयोनीज में भी नमक है और मिक्स हर्ब में भी नमक है। इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स हर्ब के बारे में हम आपको बता रहे थे, अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप ऑरिगेनो डाल लीजिए, या जो पिज्जा के साथ मिलता है ना ऑरिगेनो मसाले वाला वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया 2 स्लाइस ब्रेड। ब्रेड बहुत सॉफ्ट है, इसलिए इसके हम कॉर्नर नहीं काटते। अगर आपकी ब्रेड थोड़ी सी हार्ड हो तो उसके आप कॉर्नर काट के अलग कर लीजिए। और इस ब्रेड में हम अच्छे से बटर को स्प्रेड कर, बहुत बढ़िया से स्प्रेड करना है, कंजूसी नहीं करना है। ये सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। अब समर वेकेशन शुरू हो गया है, बच्चों की तो प्लानिंग चालू हो गई है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरीके से तैयार कर लेंगे, और इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी उसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों की तो हम जैसे बोल रहे थे ना प्लानिंग शुरू हो गई है उनकी, अब हम लेडीज की बारी है कि हम बच्चों को क्या क्या बनाएं और क्या क्या खिलाएं। इसलिए नई नई डिश के साथ हम आपके पास आएंगे, आप इस तरीके से बनाइए। और इस सैंडविच को आप तैयार करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब आपको बच्चों को सर्व करना है बड़ों को तो आप अच्छे से गर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चीज क्यूब लिया, इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे।
बच्चों को चीज बहुत पसंद होती है, इसीलिए हम चीज ज्यादा डाल रहे हैं। आप इस तरीके से बनाइए। इसीलिए समर वेकेशन में हमने भी प्लान किया कि हम हर फ्राइडे आपके पास 9:30 AM पे नई नई डिश के साथ आएंगे समर वेकेशन सीरीज में, ताकि आप देखिए वीडियो और बच्चों को बना के खिलाइए, बच्चे हमारे बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपको ये चीज नहीं डालना है तो आप चीज स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं या मोजरेला चीज का भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या पसंद करते हैं। देखिए देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, जब आप खाएंगे ना तब आप खुद से बताएंगे कि कितनी अच्छी इसका स्वाद है, लाजवाब एकदम। बस इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर दूसरी स्लाइस ब्रेड रख देंगे। हम अंदर बटर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर भी हम बटर का यूज अभी करेंगे। बस इस तरीके से बना के आप फ्रिज में रखिए। जब आपको करना हो सर तो आप निकालिए, इस तरीके से बटर लगाइए और इसको आप सेकिए, गर्मा गर्म बच्चों को खिलाइए। नमक का भी बहुत ध्यान रखिएगा, जैसा हमने पहले अभी आपको वीडियो में बताया। यहाँ पे हमने लिया एक ग्रिल पैन, उसी में आज हम ये सैंडविच सेकेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और लो टू मीडियम फ्लेम का ही यूज कर। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप नॉर्मल तवे में बनाइए, उसमें भी यही टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है। बस लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसको सिकने देंगे अच्छे से और बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे। ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो स्टफिंग सारी बाहर आ जाएगी। बस आराम से इसी तरह क्रिस्पी बनेगी और बहुत आराम से इसको पलट लेंगे। बहुत जोर से भी नहीं पलटना है और हाई फ्लेम का अगर आप यूज करेंगे ना तो क्या होगा, बाहर से तो चित्ती पड़ जाएगी मगर वो क्रिस्पी नहीं हो पाएगी, बहुत सॉफ्ट सी लगेगी। अभी देखिए लाइन पड़ रही है ना इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे, जिससे क्या होगा ना बहुत बढ़िया स्क्वायर स्क्वायर शेप बनेगा। अभी हम जब सीख जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे। देखिए देख रहे हैं ना, देखने में अच्छी लग रही है तो बच्चों को तो स्वाभाविक है और भूख लगेगी बढ़िया से और उनका पेट भर जाएगा। बस इस तरीके से इसको हम गर्मा गर्म करेंगे सर। इसके लिए एक बार हम आपको कट करके दिखाते हैं, देखिए अंदर से कितनी बढ़िया ये क्रीमी है। आपको कट करने से ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी है ये। आप इस तरीके से बनाइए, सबको बहुत अच्छी लगेगी। कितनी बढ़िया क्रीमी डिलीशियस सी लग रही है ना, बस मन कर रहा है फटाफट बनाए और सबको खिलाए और खुद भी खाए। बच्चों के बहाने हम बड़े भी नई नई डिश का आनंद उठाते हैं। बस इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए। बस जब भी आपको सर्व करना, अगर आपको चीज और पसंद है, थोड़ा सा चीज से थोड़ी सी डिजाइन बना दीजिए, दिखने में और अच्छी लगेगी। जिसको भूख नहीं होगी वो भी एक उठा के खा ले। चलिए फिर हम मिलते हैं समर वेकेशन सीरीज में नई बढ़िया रेसिपी के साथ। Thank you.